हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैटीएम सॉल्यूशन मेरठ। और आज हम लोग कैटीएम V5 में एक ही सरफेस में ये सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन ये बनाने वाले हैं, जिसके अंदर की मेरे पास एक टॉप भी रखा है, फ्रंट भी रखा है, साइड भी रखा है। और मैं इसको टॉप से बनाने वाला हूँ और नीचे जो इसका बॉटम वाला फेस है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, किसी पॉइंट पर है जो कि 5 पे है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट टॉप फेस से। तो उसे मैं थोड़ा सा यहाँ से स्केच लेंगे और टॉप प्लेन को लेके क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल के अंदर सेंटर रेक्टेंगल है मेरे पास और यहाँ से क्लिक करिए और एक रेक्टेंगल हो गया। और इसकी वजह है डायमेंशन, डायमेंशन में जाते हैं और ऐसे क्लिक करते हैं और टोटल ये जो लिया हुआ है इधर से तो 75 दिया हुआ है और ये वाला जो दिया रखा है टोटल सर्किल के लिए रखा 150, ऐसे कर देते हैं 150 और इसे क्लिक करते हैं और ये वाला दे रखा है हमारा 75 का, इसे दे देंगे 75। और इसे करते हैं हम आगे फिलिट भी इसमें कम फिलिट में गया और फिलिट में जाके मैंने क्लिक किया और ये जो रेडियस है ये कितना रखना चाहिए आपको चाहिए। मैंने टैप किया, टैप से यहाँ पे पहुँच गया, देखिए आप ऊपर देखेंगे तो आ गया होगा और 25 का रेडियस है और क्लिक 25 क्लिक। इधर अभी मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ चेंज डबल क्लिक 25 ये मेरा बन गया है, इसे करते हैं फिनिश एग्जिट करके। और यहाँ से जाना पड़ेगा हमें वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में। वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन में आने के बाद अब इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ये एक्सट्रूड है 25। तो यहाँ से आप ले लीजिए से क्लिक और यहाँ से 25, ये कुछ स्टेप्स आ गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो और एक हल्का सा रेडियस है, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो नीचे का 2.5 है तो 25 प्लस 2.5 का रेडियस और ऐड कर लिया, अगर हल्का सा लग रहा है तो मैं इसे कर देता 27.5। और पहले नीचे वाले को ही ले लेते हैं, तो बीच वाले पॉइंट पे गया या आप इसे पॉइंट लीजिए और पॉइंट क्योंकि ओरिजिन पे है और डायरेक्शन है जेड की अप में और जेड में ये चाहिए मुझे 5 का, आप यहाँ से डाल दीजिए 5। एक पॉइंट आ जाएगा जो कि 5 पे आ गया है। और अब मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ फिल ऑप्शन, फिल में ये लेते हैं फिल और इस कर्व को फिल कर दीजिए और पासिंग पॉइंट ये वाला एक्सट्रू दिस पॉइंट एंड क्लिक ओके। तो ये जो है हमारा कुछ ऊपर से आ जाएगा, देखिए। इसके बाद राउंड जो है फिलिप ये वाला फिलिप मैं बाद में करूँगा, इससे पहले ऊपर की जो है आँख है ये वाला मुझे चाहिए। तो इसके लिए स्केच लेते हैं और इस वाले प्लेन पर क्लिक करेंगे, सामने आ गए हैं और यहाँ पे आके एक आर्क चाहिए जो कि 1.5 पे है। तो आर्क लेते हैं यहाँ से और डांसिंग कर दीजिए इसकी 1.5 का रेडियस। इसके बाद थोड़ा जूम करेंगे और ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके। और ये वाला जो है हमारा कुछ प्रॉपरली नहीं दिख रहा, तो यहाँ से मैं लेता हूँ और इससे कर दीजिए अब पॉइंट और ओके, ये ग्रीन पेश कर दीजिए। अब इसे मैं चाहता हूँ इसके चारों तरफ ये आ जाए, जो कि स्वीप ऑप्शन है उसके थ्रू लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर डायरेक्ट होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज काइट प्रोफाइल है मेरे पास बाहर का, तो उसको डायरेक्टली ये ले नहीं रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है बाउंड्री लीजिए और ऊपर वाले कर्व को सिलेक्ट करके करते हैं ओके। और फिर जा कर लेंगे यहाँ से स्वेप मिलेंगे, ये हमारा गाइड है सॉरी प्रोफाइल है और ये हमारा गाइड है और फिर प्रीव्यू और ओके। और हाइट कर दीजिए जो कर्व है इसको कर देते हैं हाइट, ये कर्व है इसको भी कर दीजिए हाइट और नीचे और अगर कर्व है इसको भी कर देते हैं हम। अब इन तीनों को जोड़ना है और जॉइन करने के बाद
लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ये प्रोफाइल है, तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ क्लिक और स्केच लेते हैं। यहाँ से जाते लेंगे हम एलोंगेटेड होल और एक शेप ये मैंने बना दी है और इसकी डायमेंशन कर देते हैं 2.5 का डायमीटर है, 2.5 इसका डायमीटर क्लिक। और जो उसकी लेंथ है वो है 40, तो क्लिक करिए 40 और मिडिल कर देते हैं, मिडिल हो जाएगा इसका 20। और डिस्टेंस कितना है, ये वाली डॉटेड वाली से डॉटेड मैंने हाइड कर दी है, लेकिन क्लिक करके इसके बीच में डायमेंशन कर देता हूँ। और बीच वाला ये गैप है 32.5, तो ये डिफाइन हो चुका है। या तो आप इसे यहाँ से पैटर्न कर लीजिए, पैटर्न ट्रांसफर करके, या फिर स्केचर से ले सकते हैं, तो जैसा भी आपको लगता है आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आता है मेरा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के अंदर कीप इंटरनल एक्सटर्नल कंस्टेंट और क्लिक करिए पॉइंट को और डायरेक्शन इधर इधर मुझे चाहिए 42, तो टाइप करिए वैल्यू को। यहाँ पे मुझे चाहिए 42.5 एंटर, और ये एक है जबकि मुझे दो इंस्टेंस चाहिए थे। अनक्लिक, ये आ गया और इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया और इसे कर देता हूँ मैं मिरर। मिरर मेरे पास यहाँ पे है, ये रहा और एक्सिस है सुमित, ये हॉरिजॉन्टल वाली, और फिर थोड़ा छोटा करता हूँ और ये एक्सिस करते हैं कॉन्सिडेंट और क्लिक करके, और इसे क्लिक करके ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो क्या है रह गया इसका कुछ नहीं। ये इसके ऊपर है नहीं, ये नीचे है, तो मेरा फर्स्ट वर्क क्या होगा कि मैं इसे प्रोजेक्ट कर दूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे और मैं सीधे से लेकर जाता हूँ जनरेटिव शेप डिज़ाइन, और जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाने के बाद इसको प्रोजेक्ट कराना है, तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन हैगा, यहाँ से प्रोजेक्ट, इसे प्रोजेक्ट कराते हैं कर रही है, और सपोर्ट इसे चेंज करते हैं अलॉन्ग डायरेक्शन एंड सपोर्ट है ये एंड डायरेक्शन सेलेक्ट पैरेलल प्लेन, ओके सेलेक्ट एंड क्लिक ओके। जस्ट रिमूव दिस नियरेस्ट ऑप्शन एंड क्लिक रिव्यू एंड ओके, कीप ऑल रेलेवेंट। और नीचे वाला जो था हमारा मेन पीस को मैं कर देता हूँ हाइड, अब प्रोजेक्ट करा हुआ ये आ गया है। अब इसे हटाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट, स्प्लिट एलिमेंट टू कट, एलिमेंट टू कट ही है और कटिंग एलिमेंट है हमारे, और ओके ये मेरा कट हो गया। स्केच को हाइड कर देते हैं, और इन सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन के लिए मेरे पास एक ज्वाइंट है और एक ये है, एक ये है और एक ये, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर देते हैं, तीनों ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे फिलेट करना है, तो फिलेट वायरफ्रेम से पे जैन में है नहीं, मेरे को यहाँ से ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे है ये एज प्लेट, और एज प्लेट में जाएंगे और क्लिक करिए इस वाली एज पे, रेडी से 2.5 का, तो ये हमारा आ गया है। नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पेपर जो मैं आपको बता रहा था, तो ये शेप हमारी एक बन गई है। प्लेन अगर आपको नहीं चाहिए आप हाइड कर सकते हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट, ये पॉइंट है जिसके थ्रू गया था, उसे भी हाइड कर दीजिए। अब कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइए और क्लिक, और यहाँ से मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं जो आपको ठीक लगता है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अप्लाई। क्लिक
पार्टी एंड चेंज क्लब और वी कैन गो विद स्पिंक एंड सो फ्रेंड होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली क्वेरीज हैं आपकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिकमेंड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ